हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक्सेल के ही जैसा सॉफ्टवेयर WPS ऑफिस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो WPS ऑफिस से रिलेटेड है। एक्सेल में तो अगर आपको रिसाइज करना होता है तो एक शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। सबसे पहले तो जिस भी डेटा को सेलेक्ट करना है वहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल ए करते हैं और फिर अल्ट एच ओ आई करते हैं तो आपका पूरा डेटा रिसाइज हो जाता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो भी रो और कॉलम है ये रिसाइज नहीं हुए, देख सकते हैं यहाँ पर रिसाइज नहीं हुआ। तो सेलेक्ट करने के लिए तो कंट्रोल ए ही प्रेस करेंगे, लेकिन रिसाइज करने की शॉर्टकट की क्या होती है, यहाँ पर समस्या हो जाती है। ठीक है, आप रिसाइज मैनुअली कर सकते हैं तो एक एक करके करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, उसमें टाइम तो लगेगा ना। तो अभी शॉर्टकट की क्या यूज करेंगे, तो शॉर्टकट की बड़ा आसान है। देखिए अल्ट प्रेस कीजिए, अल्ट एच आर सी प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली प्रेस करना है आई, Alt H R C प्रेस कीजिए और I प्रेस कीजिए। देखिए सब ऑटोमेटिक रिसाइज हो जाएगा, देखिए रिसाइज हो गया ना। तो इस तरीके से आप रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज करने की शॉर्टकट की है WPS ऑफिस में, Alt H R C और I।